दोस्तों, वेल साइड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जो कहानी लाई हूँ उसका नाम है कर्म की गठरी। एक दिन राजा भोज ने गैर जिम्मेदार मंत्री तथा एक स्वामी भक्त मंत्री को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार दोनों मंत्री वहां दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने दोनों को ही एक थैला देकर बाग में जाकर फल लाने को कहा। दोनों मंत्री शाही बाग में जाकर फल तोड़ने लगे। जिम्मेदार और स्वामी भक्त मंत्री ने अपने राजा के लिए सुंदर, स्वादिष्ट और ताजे फल तोड़े और अपना थैला भर लिया। वहीं कामचोर और लापरवाह गैर जिम्मेदार मंत्री ने विचार किया, राजा कौन सा थैला खोल के देखेंगे और फल चुनेंगे, इसलिए जो समझ में आया वही झटपट भर लिया। ऐसा सोच विचार कर उसने कच्चे, पक्के, सड़े गले सभी प्रकार के फल झटपट से अपने थैले में डाल दिए। दोनों मंत्री अपने अपने फल के थैले लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, दोनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ कैद कर दिया जाए। आदेश का पालन हुआ, दोनों मंत्रियों को थैले के साथ कैद कर दिया गया। राजा ने आदेश दिया था उन्हें भोजन न दिया जाए, ऐसा ही हुआ। दोनों अलग अलग कोठरी में कैद हुए। भूख लगती तो थैले से फल निकाल कर खा लेते और अपनी भूख शांत कर लेते। जिस मंत्री के पास स्वादिष्ट और उच्च कोटि के फल थे वह ज्यादा दिन तक फल को खाता रहा, जबकि गैर जिम्मेदार और लापरवाह मंत्री के फल तुरंत ही खराब और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने फल का चुनाव ठीक प्रकार से नहीं किया था। हालत ये हुई कि वह मंत्री बेहोश हो गया और उसको तत्काल उपचार के उपरांत दरबार में उपस्थित किया गया। अब दोनों मंत्री राजा के आदेश से कैद से बाहर हो चुके थे। राजा भोज ने मंत्री को समझाया, यह जीवन एक सुंदर बाग के रूप में है, यहाँ सुंदर और स्वादिष्ट फल के अनुरूप अपने जीवन को चुनना चाहिए, उत्तम व्यवहार करना चाहिए और अपने इस छोटे से जीवन रूपी झोले को भरते रहना चाहिए। बुरे कर्म बुरे समय में काम नहीं आते, अच्छे कर्म ही बुरे समय में संबल बनाते हैं, इसलिए सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। गुड बाय।